हमारे संवाददाता पवन सिवर ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है और महामारी से नहीं निपट पाए तो भी किसानों की फसल जरूर खरीदी जाएगी। सुनेगा, मेरे साथ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं और प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं और अभी क्या हालात है, इस पर बातचीत करेंगे। दुष्यंत जी, सबसे पहले आज का आंकड़ा प्रदेश में कोरोना के पॉजिटिव केस का क्या है और किस तरीके से तैयारी सरकार ने की हुई है? जिस प्रकार से पिछले घंटों में हमने 100 का आंकड़ा पार किया है, एक गंभीरता पूरे देश के अंदर ही है कि नंबर इंक्रीज हुए हैं। पिछले एक सप्ताह में 3,000 से ऊपर पॉजिटिव केसेस आना एक चैलेंज सामने आता है और मुझे लगता है कि इसका एकमात्र ही तरीका है बचने का, वो सोशल डिस्टेंसिंग है। और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो तो मूवमेंट को भी रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। और गंभीरता के साथ सिटीजन्स फॉलो कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से लेकर छोटे छोटे बच्चे भी ये आग्रह करते हैं कि आप घर बैठिए, सुरक्षित रहिए। मुझे लगता है कि अब समय आ चुका कि हम सब इसको और सीरियसली देखें, क्योंकि अगर हमारे मेडिकल स्टाफ बीमार होने लग जाता है तो फिर गंभीरता और बढ़ जाएगी, फिर शायद हम इटली और स्पेन वाली व्यवस्था में भी कहीं पहुंच ना जाए। आज आपने किसानों की फसल की खरीद को लेकर आपने मुख्यमंत्री जी ने सरकार ने मतलब एक मीटिंग की है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, क्या तैयारी है सर और किसानों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो तमाम किसानों से कहूँगा कि अगर 14 तारीख तक हम इस महामारी से नहीं बच पाते तो भी हरियाणा सरकार कमिटेड है कि सरसों का, गेहूं का हम एक एक दाना परचेज करेंगे। और उसके अंदर अगर सबसे बड़े सहयोगी कोई होगा तो किसान, आढ़ती और लास्ट में जाकर प्रोक्योरमेंट एजेंसी होगी। आज मैन पावर की, क्योंकि लेबर बहुत ज़्यादा दूसरे प्रदेशों से आती थी, एक कमी सामने आ सकती है, मगर हमने आग्रह किया है कि 20 तारीख के बाद आढ़ती भाई भी सारे मिलकर एक स्टैगर्ड तरीके से, जहां प्रदेश के अंदर मंडियों का नंबर अगर हमें बढ़ाना पड़ जाता है वो बढ़ाएं और तरीके से हम इस व्यवस्था को, परचेज को पूरे को कंप्लीट कर पाए। मगर समय जरूर चाहिए होगा और उसके अंदर अगर योगदान होगा तो फार्मर्स का होगा। मैं ये मानता हूँ कि अगर प्लेग वाली स्थिति को भी हरियाणा का किसान झेल पाया, लड़ पाया और उस समय भी अपने अनाज को बेच पाया तो इस महामारी में तो सिर्फ सोशल डिस्टेंस रखना है। और सोशल डिस्टेंस अगर हम नंबर ऑफ परचेजर को लिमिट कर पाए दिन के अंदर, और दिन जो 10 दिन में परचेज होती थी पीक में, उसको किसान की मदद के साथ 30 दिन 35 दिन तक ले जा पाए तो जरूर प्रदेश सरकार, इस प्रदेश का किसान एक एक दाना अपना बेच पाए। तो ये हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हमारे साथ थे जो ये कह रहे थे कि ये जो लड़ाई है इसको हमें मिलकर लड़ना है और जो ये हमारे सामने जो दुश्मन है कोरोना रूपी जो बीमारी, इसकी शक्ति का भी हमें अंदाजा नहीं है, ना ही इसके साथ लड़ने के लिए हमें हमारे पास कोई हथियार है, लेकिन ऐसे में एहतियात के तौर पर हम अपने घर में रहें, स्वस्थ रहकर ही इस जंग को जीत सकते हैं।